IMF की मजीद सख्त शराइत सामने आ रही हैं। हुकूमत इन शराइत को तस्लीम भी कर रही है, साथ ही पॉलिसी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। जियो न्यूज़ के दराए के मुताबिक पॉलिसी मुज़ाकरात में पाकिस्तान को सख्त सवालों को जवाब देने हैं। पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स तक लाने होंगे और ये बताना होगा कि रकम कहाँ से आएगी। इस वक्त सूरत हाल यह है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर्स तक गिर गए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कमी का खदशा है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक बजट खसारा, बैरूनी फाइनेंसिंग, बजट फ्रेमवर्क और अहम अमूर पर पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म करना होंगी। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर्स फौरी फराहम करना होंगे। इसके अलावा बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपये से ज़ायद अखराजात कम करने के इकदाम पर बात होगी और तरक्याती बजट पर 50% से ज़्यादा की कटौती की तैयारी हो रही है, जिसके बाद तरक्याती बजट 727 से कम होकर 400 अरब रुपये हो जाएगा। इसके अलावा गैर तरक्याती अखराजात में भी खातिर खा कमी लाई जाएगी और गैर ज़रूरी मनसूबों की फंडिंग रोकने पर भी बातचीत होगी। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक रवां माली साल बजट से सब्सिडी जारी करने में काबिले ज़िक्र कमी पर गुफ्तगू होगी। सब्सिडी कम करने पर बिजली और गैस के रेट तकरीबन 50% बढ़ाने होंगे। इसके अलावा तमाम तरक्याती मनसूबों की मरहलावार मॉनिटरिंग वेबसाइट पर पब्लिक की जाएगी और निजकारी प्रोग्राम फाल बनाकर रियासती मिल्कती इदारों को फाल या फरोख करने का लाहेमल तय होगा। साथ ही एहतसाब का अमल मौसर और शफाफ बनाने के लिए कानून साजी ज़ेर बहस आएगी। गैर ममालिक से कर्जा लेने और वापस करने की नई पॉलिसी तय होगी। साथ ही हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। द न्यूज़ में महताब हैदर की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में 4 से 10 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी है, जबकि IMF चाहता है कि फ़ी यूनिट कीमत में 12 से 14 रुपये का इजाफा किया जाए। इसके अलावा हुकूमत ने IMF से कहा है कि इन सार्फीन को तहफ़ फराहम किया जाए जो महाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, मगर IMF ने इसकी मुखालफत की है और दलील दी है कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फीन को तहफ़ फराहम किया जाए। खबर के मुताबिक गैस की कीमत में भी इजाफा होगा और जनरल सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद आइंदा आने वाले 5 माह में 55 अरब रुपये जमा होंगे। इसके अलावा IMF का इसरार है कि इजाफी टैक्सेस के इकदाम किए जाएँ और खर्चात में कमी की जाए ताकि बुनियादी खसारे को कम किया जा सके। मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं और गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ुर्रम दस्तगीर ने दावा किया कि IMF से मुआहदा बहुत करीब है, बहुत सारे इशूज़ पर इतफाक हो गया है। IMF से मुआहदा अल्लाह ताला के करम से काफ़ी करीब है और बहुत सारे इशूज़ पर इतफाक हो गया है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार कह चुके हैं कि IMF टफ टाइम दे रहा है, साथ ही आलमी इदारे मुसलसल पाकिस्तानी मईशत पर आर्टिकल शाया कर रहे हैं। आज ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में डॉलर की कदर इजाफे के हवाले से रिपोर्ट शाया की है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान से डॉलर स्मगलिंग अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जफर पराचा के मुताबिक ताजिर और स्मगलर यौमिया 50 लाख डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जा रहे हैं। इस गैर कानूनी बहाव से पता चलता है कि कैसे तालिबान आलमी पाबंदियों से बच रहे हैं और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं और रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुआशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद ने ब्लूमबर्ग को बताया कि अफगानिस्तान की यौमिया ज़रूरत 1 से 1.5 करोड़ डॉलर्स है, जिसमें से आधे पाकिस्तान से आते हैं। इसके अलावा अक़वामे मुत्तहिदा अफगानिस्तान को हफ्तावार 4 करोड़ डॉलर इमदाद देता है। अफगानिस्तान क्योंकि आलमी बैंकिंग सिस्टम से कटा हुआ है, इसलिए रकम कैश की सूरत में अफगानिस्तान मुंतकिल होती है और फिर अफगान करेंसी में मुंतकिल होती है। इसका तालिबान हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक तलब बढ़ने की वजह से अफगानी करेंसी की कदर में 5.6% का इजाफा हुआ और अफगान करेंसी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी में से एक है। दिसंबर 2021 में $1 124 अफगानी का था और आज 90 अफगानी का है, जबकि पाकिस्तानी रुपये की कदर इस दौरान 37% कम हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपए पर पाबंदी लगाने से बॉर्डर तजारत डॉलर में हो रही है और तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान डॉलर लाने पर पाबंदी ख़त्म कर दी है, जबकि अफगानिस्तान से डॉलर ले जाने की हद 5,000 डॉलर मुकर्रर है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डॉलर का अफगानिस्तान की तरफ बहाव तवानाई बहरान की वजह से पड़ोसी मुल्कों से कोयले की तजारत के दौरान बढ़ा। कोयला फरोख्त करने वाले अफगानी बेचकर रुपया फिर रुपये से डॉलर खरीद रहे हैं और ज़र मुबादला की तजारत दो मुल्कों की सरहद पर होती है। दो मुल्कों की सरहद पर आमदोरफ्त और तजारत की पॉलिसी ना होने से मसाइल हैं। डॉलर स्मगल हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा। 2 दिसंबर को इसी प्रोग्राम में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने दावा किया था कि डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं।
हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बैठ के आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मेरी जो रेलेवेंट एजेंसीज है ये पाकिस्तान से जो हम कोला खरीद रहे हैं अपने एक नेबरिंग कंट्री से रुपयों में, वो सारे का सारा पैसा पाकिस्तान में आकर डॉलर जा रहा है, स्मगल हो रहा है। अब किसी ने तो उसको रोकना है ना, वो तो ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो जाके बॉर्डर्स पर नहीं रोकेगी। मैं जो रेलेवेंट लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मेरी बात उनसे हो चुकी है पिछले चंद दिन पहले और तफसील से डिस्कशन हुई है। उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि दे विल डू देयर बेस्ट कि ये जो इस तरह की जो करेंसी स्मगलिंग है पाकिस्तान से फॉरेन करेंसी, उसको रोका जाए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर 200 पे चले जाते हैं इंटर बैंक में तो वो 210-15-20 में फिर शुरू हो जाएंगे। तो ये हमें इसको कर्व करना पड़ेगा और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को इसमें एक हैवी हैंड के साथ इस प्रैक्टिस को खत्म करना होगा इस मुल्क से, अदरवाइज वी आर लूजर्स। इसहाक डार के इस बयान को 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, मगर डॉलर की स्मगलिंग जारी है और डॉलर की कदर मुस्तहकम नहीं हो रही। गुज़श्ता रोज़ इंटर बैंक में डॉलर की कदर में कमी आई थी, मगर आज डॉलर की कदर में 98 पैसे का इजाफा हो और $1.276.28 का हो गया, मगर ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपये की कमी आई है और $1.280 का हो गया है। इस मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ हैं दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर। मेहताब साहब, सवाल सबसे ज़्यादा जो अहम है वो ये कि IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात में क्या कोई पेशरफ्त हो भी रही है या नहीं, और अगर किसी किस्म का कोई डेड लॉक है तो वो किस बात पर है, और जितने पुरउम्मीद नज़र आते हैं हुकूमती नुमाइंदे, क्या हकीकत भी ऐसे ही है? जी, थैंक यू वेरी मच। इस टाइम पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग चेयर की और गो हेड दिया अथॉरिटीज़ को कि वो टैरिफ की ऑप्शंस रखें 4 से 10 रुपए, GST में कोई 1% का इजाफा करें और 17 से 18%, और जो एडिशनल टैक्सेस हैं वो कोई 180 अरब रुपए के लगाए जाएं। लेकिन जो दूसरी तरफ जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन है अभी भी, वो ये कहते हैं कि आपको बिजली के टैरिफ में ज़्यादा इजाफा करना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह जो है वो आप ये देखें कि जो सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है अभी 7 रुपए 10 पैसे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के बावजूद बढ़ाने के बावजूद वो तकरीबन कुछ 675 अरब रुपए की है, जो रिवाइज सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान में हुकूमत ने IMF के साथ शेयर किया है, और ये उससे एडिशन है जो बजट में 570 अरब रुपए की रखी गई थी। तो टोटल जो पावर सेक्टर के लॉसेज ऑन बुक्स होंगे वो 1 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा होंगे। देखें, कोई भी मुल्क इस तरह की पावर सेक्टर के लॉसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए चाहे IMF का प्रोग्राम हो या ना हो, इस टाइम तो हमारा IMF के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन ये जो पावर सेक्टर के लॉसेस हैं ये हमें कंट्रोल करने पड़ेंगे। देखें, बुनियादी तौर पर IMF की प्रिस्क्रिप्शन और वर्ल्ड बैंक की ये है कि सिर्फ टैरिफ इंक्रीज़ किए जाएँ। हमने पीपल्स पार्टीज़ के ज़माने में 2007-08 में जो IMF का प्रोग्राम किया था, कुछ 40% टैरिफ उस टाइम बढ़ाया था, फिर PMLN के ज़माने में 2013 से 2018 तक 30 से 35% उस टाइम टैरिफ बढ़ाया था, फिर जो PTI के ने IMF के साथ प्रोग्राम साइन किया उसमें 40 से 45% ऑलरेडी हम टैरिफ में इंक्रीज़ कर चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब टैरिफ इंक्रीज़ होता है तो साथ लीकेजेज और चोरी भी बढ़ जाती है। पावर सेक्टर का को फिक्स किए बगैर ये मुल्क भी नहीं चल सकता और IMF का प्रोग्राम भी नहीं चल सकता है, एक तो मामला वहाँ पे खड़ा है। दूसरा, जो एडिशनल टैक्सेस हैं वहाँ पे भी IMF की प्रिस्क्रिप्शन अभी तक ये है कि आपका गैप ज़्यादा है। हम ये कह रहे हैं कि गैप कम है, हम ज़्यादा गैप को कम करने के लिए एक्सपेंडिचर्स को कट करना चाहते हैं, और IMF जो है वो एडिशनल टैक्सेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अथॉरिटीज़ अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि आइंदा 48 घंटों में, यानी अगले जो 2 दिन हैं, इसमें पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, इस टाइम बड़ी क्रूशियल और टफ नेगोशिएशन जो है दोनों ममालिक दोनों साइड्स के दरमियान जारी हैं।